अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखें बाहर का मंज़र, आज बालकनी से बाहर मैं निकली थोड़ा सा क्लिप लेने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि बाहर का व्यू कैसा है। तो हल्की सी धूप निकली हुई थी, असर का टाइम है तकरीबन। तो अभी मैं इफ्तारी रेडी करने की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जो रमज़ान में रूटीन होती है तो इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता, कब टाइम कितना गुजर जाए कुछ समझ नहीं आती। तो ये थोड़ी ग्रॉसरी मैं लेके आ गई थी, थोड़े कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। तो अभी इंशाल्लाह मैं तैयारी करूँगी, तकरीबन 5:30 होने लगे थे असर के। और कुछ चीज़ें तो मैंने तैयार कर ली थी, जैसे चाट्स वगैरह होती है और बाकी कुछ सालन रोटी वगैरह जो भी होता है तो पहले ही बना लेती हूँ। तो ये सबसे लास्ट में फ्रूट्स वगैरह काटती हूँ, क्योंकि अगर पहले से इनको काट के रखा जाए तो उनमें पानी छोड़ देते हैं और फिर फ्रेश भी नहीं लगते बिल्कुल। तो ये मैं साथ साथ फ्रूट काट रही थी। इसमें है तकरीबन ये वाटरमेलन था, और इसके अलावा साथ में ये ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है, बनाना, एप्पल, जो जो फ्रूट पसंद होता है तो वो साथ में काट लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये काट रही थी, सिर्फ ये तरबूज कहते हैं इसको हमारी ज़बान में, लगता है भूल भी नाम ही भूल गई, तरबूज कहते हैं, क्या कहते हैं, खरबूजा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लगता है तरबूज ही कहते हैं। तो ये काटा है और साथ में ये ड्रैगन फ्रूट है इसको काटा है थोड़ा सा, ये भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये फ्रूट्स जो है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खाएं रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है दिन भर जब हम पानी नहीं पीते, तो ये फ्रूट्स वगैरह खा के इससे हमें बॉडी को ताकत मिलती है और काफ़ी जो है ना हेल्दी है ये सारा कुछ, और इससे हम एक्टिव भी रहते हैं, ताकत भी आती है और मज़े का भी लगता है। तो ये साथ में मैंने काट ली थी ड्रैगन फ्रूट, साथ में कुछ कीवी थोड़े से रख लिए थे जो कि बहुत यम्मी चटपटे खट्टे खट्टे लगते हैं मज़े के। तो जो भी पसंद हो आप उस तरह की फ्रूट प्लेट बना सकते हैं। साथ में मैंने एक सोचा कि रोज़ हर दिन जो है तो कोई जूस पी रहे थे, कोई कभी टैंग बना लिया था, कभी रूह अफ़ज़ा, कभी कुछ, तो आज मैंने जो है तो ये शेक बनाया था, बनाना और स्ट्रॉबेरी शेक जिसको स्मूदी भी कहते हैं। तो ये मैं बना रही थी, ये भी बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चे बड़े सब पी लेते हैं, मज़े का लगता है बहुत। तो इसमें मैंने ये डाला है मिल्क डाला है और कुछ बनाना, दो छोटे मीडियम साइज़ के बनाना काट के डाले और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़, और साथ में लो फैट मिल्क डाला है और शुगर बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि वो फिर बहुत मीठा हो जाता है, वो पिया भी नहीं जाता और अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा मीठा डालने की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ आपके पास अगर कोई चॉकलेट सिरप है, कैरेमल सिरप है, स्ट्रॉबेरी सिरप है, आप कुछ भी है, आप उसको ना इस तरह ग्लास में थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में मैंने तो ये कैरेमल सिरप पड़ा था ये डाल दिया था, अगर स्ट्रॉबेरी सिरप होता तो और ज़्यादा प्यारा लगना था, लेकिन बस मेरे पास यही था तो मैंने यही डाल दिया। तो साथ में कुछ मैंने इसके कुकी एंड क्रीम का थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड कर दी है, जिससे इसका टेस्ट ज़रा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखें अभी ऑलमोस्ट डन हो गए, तो आज की इफ्तारी तो तकरीबन रेडी हो गई है मेरी। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़े का लगेगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, बहुत इजी है ये, आराम से बन जाता है। तो आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करना चाहें अपने स्टाइल से, आप कर लें इसको डेकोरेट और मज़े से पिए, इंजॉय करें इफ्तारी को, इंजॉय करें। और कोशिश तो की है कि सारा कुछ हेल्दी हो, लेकिन थोड़ा सा फिर वही बात है ना कि बच्चे कहते हैं कि उनको जो चीज़ पसंद हो तो वो फिर उनके हिसाब से करनी भी पड़ती है। तो फ्रूट्स का तो मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसके अलावा
वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, सैलड। वैसे ही दही भले में दबा के सैलड डाली होती है, इसमें बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं ऑलरेडी, तो ये भी इसमें आ गई, यानी वेजिटेबल्स भी आ गई, फ्रूट्स भी आ गए, और ये तकरीबन हेल्दी इफ्तारी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि इतनी नेमतें दी हैं, अपनी नेमतों से नवाजा है हमें। और मेरी दुआ है आप सब के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको भी नेमतों से नवाजे, बरकत दे आप लोग के खानों में, आप लोग के दस्तरखान इसी तरह सजे रहें। और ये कुछ स्नैक था बच्चों की फरमाइश पे, कुछ नगेट्स और समोसे साथ में फ्राई कर लिए थे, तो ये तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए फिर। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।